नमस्ते, राम राम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भाग्यश्री कंकानी टैरोट। यहाँ पे फोर पाइल्स है शिव जी के रिलेटेड। शिव जी की आज मैंने यहाँ पर कार्ड्स रखे हैं। आपके फेवरेट जो भी पाइल हो आप चारों में से एक चूज़ कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना टाइम स्लॉट जो है वो पिक कीजिए। हर हर महादेव, नमस्ते एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर वन। सो जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज़ किया है, नटराज लॉर्ड ऑफ द डांस। तो आपको जैसे कि पता ही है कि शिव जी का ही रूप है नटराजा, और नटराज भी कहते हैं इन्हें। और कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि शिव जी जो है वो एक डांस फॉर्म में है। एक हाथ में उनके एक बॉल है जिसमें अग्नि है, एंड इवन ही हैज़ वन वैंस। और नंदी जी यहाँ पे थोड़े से हाफ दिख रहे हैं। गणपति जी है, गणपति जी के हाथ में यहाँ पर लोटस है, एंड गणपति जी बहुत प्यारे तरीके से अपने फादर को देख रहे डांस करते हुए, एंड ही इज़ इंजॉइंग दिस व्यू। एंड आप देख रहे हो कि शिव जी जिस फॉर्म में डांस कर रहे हैं, जिस वेव में डांस कर रहे हैं, ही इज़ हैविंग अ फोर हैंड्स हियर एंड मे बी एट, बिकॉज पीछे से एक हाथ और दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ अ हैंड और नॉट, बट फोर हैंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ही इज़ हैविंग अ फोर आर्म्स ओवर हियर, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि ही इज इन अ वेरी हैप्पी मूड, बहुत ही अच्छे मूड में है। एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। एंड इवन अगर आप डीप जाओ तो यहाँ पे उनका जो डांस फॉर्म है वो इतने उस फॉर्म में है कि पानी के जो छींटे हैं जो उड़ रहे हैं, मतलब जिस तरीके से आई गेस ही इज़ डांसिंग, ही इज़ सो हैप्पी, ही इज़ इंजॉइंग हिज टाइम। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेल्स है, अगर बहुत बारीकी से जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। सो इवन बेल्स आर डांसिंग, एवरीथिंग इज़ डांसिंग ओवर हियर। शिव जी इज़ लाइक फुल फॉर्म में यहाँ पे, पूरे अच्छे इसमें हैं, एंड गणेशा इज जस्ट इंजॉइंग, गणेशा इज जस्ट सीइंग हिज फादर। सो पाइल नंबर वन, जैसे कि हम अभी डिटेल्स में गए कार्ड्स के, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये डिटेलिंग जो कहती है वो ये कहती है कि आपको म्यूज़िक या डांस से अटैचमेंट है, मतलब यू लव डांस, यू लव म्यूज़िक, यू आर फियरलेस पर्सन। आप बहुत फियरलेस पर्सन हो, आप बहुत जॉयफुल पर्सन हो, आपको मतलब डांस और म्यूज़िक से बहुत प्यार है। तो आइए देखते हैं कि आपका 2024 21 मई से 31 मई तक कैसा रहेगा। तो पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटस आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने रखती है, क्योंकि आज का जो टाइम है ना वो ऐसा है कि फाइनेंशियल स्टेटस से ही सब कुछ रिलेटेड है। वेदर इट इज़ अ हेल्थ, वेदर इट इज़ एनीथिंग, घर लेना है तो फाइनेंशियल स्टेटस, गाड़ी लेना है तो फाइनेंशियल स्टेटस, बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन कुछ भी करना है तो फाइनेंशियल स्टेटस इज मस्ट। तो आइए देखते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। सो नटराज जी प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर वन को कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। किंग ऑफ वैंस आया है, और एक दो कार्ड शफल करते हैं। शिव जी प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर वन को। वाओ, अगेन टू ऑफ वैंस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फाइनेंशियल स्टेटस मैं यहाँ पर आपका जो देख रही हूँ, अगर हम थोड़ा इसको सही कर दें तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आया है। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वैंस। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटस मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ। अगर आपका कहीं पे पैसा रुका हुआ है तो आने के चांसेस हैं यहाँ पर। मैं देख रही हूँ कि बहुत टाइम से अगर ऐसा हो रहा है कि कोई आपको कमिटमेंट कर रहा है कि मैं पैसे आज नहीं तो कल दे दूंगा, आज नहीं तो कल कंप्लीट कर दूंगा, तो मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटस आपके यहाँ पर जो रुके हुए हैं वो वापस से आने के चांसेस है। हो सकता है कि बहुत टाइम पहले आपने किसी को पैसा दिया था और वो आपको वापस से कॉल बैक करेंगे और बोलेंगे कि ठीक है आप आओ और आपके जो पैसा पेंडिंग है वो लेकर जाओ करके। दूसरा मैं देख रही हूँ यहाँ पे टू ऑफ वैंस आया है। आप पैसे जब आपको मिले बहुत सोच समझ के आपको खर्च करना है, बहुत सोच समझ के आपको यूटिलाइज करना है। आपके जो कमिटमेंट्स है पहले आप उसको क्लियर करो, आपके जो अगर कुछ काम अटक गया था तो उसको पहले आप ख़त्म करो, क्योंकि हो सकता है कि आप पैसे आए और आपको लगेगा कि नहीं चलो मैं थोड़ा सा, अब तो क्या है पैसा आ गया, हो सकता है मेरे पास अगले महीने मेरी सैलरी आ जाएगी या मुझे ये काम मिलेगा, तो मैं ये पैसे अभी यहाँ पर खर्च करके दूसरा पैसा वहाँ पर मतलब किसी और काम में ये कर दूं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपके पास पैसे आते हैं उसको सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए, उसको सही तरीके से यूज कीजिए, और सही
जगह पे यूज कीजिए। प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना, अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना, क्योंकि ठहराव होनी चाहिए आपके पैसों की। आपका पैसा ऐसा नहीं कि आए और तुरंत आप यूज़ करो उसको, तुरंत खर्चा करो, तुरंत आप किसी को दे दो। जब लक्ष्मी आती है थोड़ा उसको दिन अपने पास रखो, थोड़े दिन मतलब एक दो दिन उसको रखो, उसके बाद में सोच समझ कर सही तरीके से यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं कि बस पैसा आया मैंने यहाँ खर्चा कर दिया, मैंने वहाँ खर्चा कर दिया, मुझे ये कपड़े चाहिए थे तो मैंने वो ले लिए, मुझे वो स्मार्ट वॉच चाहिए था तो मैंने वो ले लिया, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। अगर आप कोई फीमेल पर्सन हो और ये कार्ड आप देख रहे हो तो आपका अगर किसी कोर्ट कचहरी में फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर बहुत झगड़ा चल रहा है या फिर बहुत टाइम से कोई केस चल रहा है तो वो शायद अब एक डिसीजन पे आने वाला है, वो शायद अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। अगर आपके फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर मतलब आप बहुत दिक्कत में थे बहुत टाइम से कि आपके पास पैसे नहीं आ रहे थे, तो हो सकता है कि एक फाइनल आपको पता चलेगा कि जो आपका अपोजिट पर्सन है वो आपको पैसे देगा या नहीं देगा। एंड ऑल्सो फाइनेंशियल स्टेटस, ये जो 10 दिनों में मैं देख रही हूँ आपके पास कहीं से तो पैसे आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इस कार्ड में यही दिख रहा है कि पैसे आने वाले हैं, बट आपको ठीक तरीके से यूज़ करना है, आपको ठीक तरीके से यूटिलाइज करना है, आपको सही जगह पर उसे इन्वेस्ट करना है। फॉर वुमेन्स लेडीज, अगर आप ये कार्ड चूज किए हो सो आई विल गाइड यू वन थिंग कि आपके पास जब भी पैसा आए बहुत सोच समझ के यूज करना, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पे मैं एक डिबेट देख रही हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइट देख रही हूँ, यहाँ पर मैं एक ऐसा सिचुएशन देख रही हूँ जहाँ पे आपके पैसे खर्चे होने वाले हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये भी इंडिकेट करता है कि अगर आप किसी फीमेल के साथ में किसी झगड़े में इन्वॉल्व हो या किसी चीज़ में आप बहुत टाइम से आपका कोर्ट कचहरी में चक्कर चल रहा है, केस चल रहा है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज दैट वुमेन इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, वो लेडी भी बहुत स्ट्रांग है। एंड अगर आप एक फीमेल पर्सन हो और आपने ये कार्ड चूज किया है तो आई विल इंडिकेट यू कि आपको बहुत सोच समझ के कहीं पे इन्वेस्ट करना है, आपको बहुत सोच समझ के पैसे खर्चा करना है, बहुत सोच समझ के आपको यूटिलाइज करना है अपने पैसों को, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। अगर आपको जितना लगे कि यहाँ पे इतना पैसे देने की जरूरत है आप उतना ही दीजिए, ओवर एग्जैजरेट मत कीजिए अपने पैसों को, ओवर ज़्यादा आप खर्चा मत कीजिए बिकॉज वो चीज़ आपको नुकसान देगी, वो चीज़ आपको दिक्कत देगी। ऑल्सो बिकॉज अगर आपने थोड़ा सा भी जो पैसा है गलत जगह पे यूटिलाइज किया या गलत इन्वेस्ट किया तो वो आपको नुकसान दे सकता है। सो फाइनेंशियल स्टेटस के लिए इतना ही बोलूंगी, आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटस के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस का ध्यान रखना है एंड मनी का फ्लो आएगा, नो नीड टू वरी, एंड मनी का फ्लो आएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम देखते हैं आपकी हेल्थ रिलेटेड, आपका हेल्थ कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2024, हेल्थ कैसा रहेगा पाइल नंबर 1 का, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हायरोपेंट एंड पेंटिकल्स अगेन, वाओ। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हेल्थ को लेकर आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे टच वुड वेरी फैंटास्टिक, हेल्थ को लेकर कोई भी ऐसे मेजर मुझे चीज़ें नहीं दिख रही है, यहाँ पर आपका हेल्थ सही सलामत है एकदम। एंड द हायरोपेंट आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर आपका कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है तो बहुत जल्दी ख़त्म होने के चांसेस है यहाँ पर। द हायरोपेंट कार्ड आया है यहाँ पे, दैट ऑल्सो इंडिकेट अ वेरी गुड हेल्थ, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटस, क्योंकि आई नो हमने हेल्थ के बारे में पूछा है बट ये ऑल्सो इंडिकेट करता है कि अगर आप आपके फैमिली के साथ या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो देन यू नीड टू बी वेरी प्रिकॉशन, बहुत सोच समझ के पार्टनरशिप करना। एंड अगर आप इंडिविजुअल खुद करोगे तो दैट इज़ वेरी फाइन, दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक, अगर आप खुद इंडिविजुअली अपना काम करोगे इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे अगेन पेंटिकल्स आया है, अगर आप दान पुण्य करोगे जैसे कि आपके पुराने कपड़े हैं, राशन है, कुछ दाल चावल, अगर आप दान करोगे तो आपके हेल्थ में बहुत सुधार आएगी। अगर आपकी तबीयत खराब रहती है ऑन एंड ऑफ, अगर ऐसा है कि आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, कोल्ड कफ या जुकाम, कुछ दर्द हमेशा रहता है आपके साथ में आपके बॉडी में, तो आपको दान पुण्य करने की जरूरत है, आप थोड़ा सा राशन दान कीजिए तो क्या है उससे आपकी जो तबीयत है वो उसमें सुधार आना स्टार्ट होगी। तो आइए हम देखते हैं कि आप
का जो लव लाइफ है, क्योंकि मोस्टली आजकल लोग उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि हमारा लव लाइफ कैसे रहेगा. तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो ये कार्ड देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा. पाइल नंबर वन के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए. सो मैं देख रही हूँ कि बहुत यहाँ पे एक ठहराव आ गया है आपके रिलेशनशिप में. अब वो पहले जैसा नहीं रिलेशनशिप आपका रहा है जहाँ पे बहुत हंसी मजाक होता था. अगर आप ये एक रिलेशनशिप में हो तो ये कार्ड आपके लिए ठीक है. और वैसे मैं सिंगल लोगों के लिए भी करूँगी आगे, आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आप सिंगल हो तो ये रिलेशनशिप वालों के लिए है. तो अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो मैं देख रही हूँ कि एक ठहराव आया है आपके रिलेशनशिप में, एक हर्मिटनेस आया है. मतलब यू नो, पहले जैसे थे अब वैसे नहीं हो. बहुत एक यू नो, ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे बहुत साइलेंट हो गया आपका पार्टनर या आप साइलेंट हो गए हो. एंड होता है कभी कभी, क्योंकि किसी को क्या स्ट्रेस होता है हमें भी नहीं पता. एंड कभी कभी हमारे पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि हमें वो स्ट्रेस नहीं देना चाहते या टेंशन नहीं देना चाहते, इसलिए वो कुछ कुछ चीज़ें हमसे शेयर नहीं करते हैं. बट ठीक है, एक हर्मिट जोन में है, दैट इज़ फाइन. एंड जजमेंट आया है एंड कब्स आया है, विच इज़ वेरी नाइस. हो सकता है आप अगर मतलब यू नो, शादी का प्लान कर रहे हो तो आपकी शादी हो सकती है, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है कि आप यू नो, प्रेग्नेंट हो सकते हो. या ऑल्सो मैं यहाँ पे जजमेंट का कार्ड देख रही हूँ. हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो और अब आप शादी का प्लान कर रहे हो तो वो सक्सेस होने वाला है, वो एक सक्सेस होने वाला है. हो सकता है कि यू नो, उसकी फैमिली या आपकी फैमिली दोनों मानकर, राजी मानकर यू नो, ये चीज़ को आगे बढ़ाए एंड शादी का प्रस्ताव लेकर आए. हो सकता है एंड अगेन, हो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है कि यू नो, आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आए रिगार्डिंग बेबी. आप यू नो, प्रेगनेंसी की न्यूज़ है यहाँ पे. आप शादीशुदा हो तो यहाँ पे प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मुझे दिख रही है. एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि कोई आपको फाइनेंशियल हेल्प भी करेगा अगर आप घर लेने की यू नो, कोशिश कर रहे हो या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो. तो मैं देख रही हूँ कि आपको कोई हेल्प करेगा रिगार्डिंग दिस. तो आपका लव लाइफ के लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे. पाइल नंबर वन की जो सिंगल है उनके लिए क्या है कि आपके लाइफ में कोई आएगा. सो शिवजी नटराज जी प्लीज बताइए कि पाइल नंबर वन जो सिंगल है, क्या उनके लाइफ में कोई एक अच्छा पार्टनर आएगा उनके लिए. प्लीज उनको गाइड कीजिए. प्लीज पाइल नंबर वन को गाइड कीजिए. हर हर महादेव ओम नमः शिवाय. सो पाइल नंबर वन, अगर आप अभी किसी को देख रहे हो इन द सेंस कि कोई आपको बोल रहा है कि यू नो, मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ एंड आई वांट टू बी विथ यू. सो बहुत सोच समझ के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब यू नो, तनाव देख रही हूँ, थोड़ा सा झूठ देख रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिप्रेशन देख रही हूँ. तो आप देखिए कि यहाँ पे तो फूल कार्ड भी आया है आपको, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे फूल कार्ड भी आया है. एक कार्ड बहुत अच्छा है कि क्वीन ऑफ कप्स है, बट इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में 100% दे रहे हो, आप वो सब चीज़ें सोच रहे हो जो आपको सोचना चाहिए, बट सामने से वो रिस्पॉन्स आपको नहीं आ रहा है. अपने रिलेशनशिप में 100% दे रहे हो बट सामने जो आपका पार्टनर है वो उतना श्योरिटी नहीं है उसको, वो उतने श्योर में नहीं है. सो पाइल नंबर वन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर रिलेशनशिप में आए हो या हो और यू नो, कोई आपको बहुत ये कर रहा है कि यू नो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो एक पॉज लीजिए. आप उन पे जल्दी से ट्रस्ट मत कीजिए. आप ऐसा नहीं कि बस उसने बोल दिया तो मैं सिंगल हूँ तो मैंने उसको हाँ बोल दिया, ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिए. एंड अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में अभी तक कोई भी नहीं आया है और अभी मतलब हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में कोई आए, बट आपको बहुत सोच समझ के स्टेप लेना है, बिकॉज अभी तक आपके लिए वो कार्ड्स अच्छे नहीं आए. हो सकता है कि इट विल टेक टाइम. आपको जो आपका पार्टनर है वो यू नो, ही स्टक समवेयर, वो किसी ऑलरेडी किसी डिप्रेस्ड में, किसी स्ट्रेस में है, और सही वक्त आने पे वो आपकी ज़िंदगी में आएगा और आएगी. बट इस वक्त देर इज़ नॉट अ गुड कार्ड फॉर इट. ये सही टाइम नहीं है. आई बिलीव कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो. आप अपने काम में ज़्यादा ध्यान दीजिए एंड अपने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने पे ज़्यादा फोकस कीजिए. लव लाइफ के लिए अभी आपका समय सही नहीं है. पाइल नंबर वन. लेट्स सी कि ऑल ओवर 2021 में से 31 मई 2024 आपका कैसा रहेगा. सो प्लीज़ महादेव जी गाइड कीजिए पाइल नंबर वन को. ओके, डेथ.
इसका मतलब कि बुरा वक्त खत्म होके अच्छा वक्त शुरू होगा. टू ऑफ पेंटिकल्स सॉरी टू ऑफ कप्स आए हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर आए हैं स्वॉर्ड्स. इसका मतलब कि यू नीड टू बी स्पिरिचुअल, आपको भगवान पे विश्वास रखने की जरूरत है. आप बहुत पूजा पाठ करते थे मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर वन, एंड अभी आप ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर रहे हो. सो यू नीड टू बी स्पिरिचुअल अगेन. टू ऑफ यहाँ पे कप्स आए हैं, दैट मीन्स कि कुछ अच्छी गुड न्यूज आपको आ सकती है. डेथ का कार्ड इन द सेंस कि आपका जो बहुत टाइम से कोई स्ट्रेस परेशानी चल रही थी वो चीज खत्म होके अब अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, अब अच्छा आपका टाइम शुरू होने वाला है पाइल नंबर वन. सो दैट्स इट, अपना ख्याल रखिएगा एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए राम राम. पाइल नंबर टू, सो पाइल नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग. सो जिन्होंने ये महादेव शिवा कार्ड चूज किया है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है. थोड़ा डिटेलिंग में जाते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं कि शिवा जो है हमारे शिव जी, वो एक मेडिटेशन पोज में बैठे हैं एंड ही इज़ वेरी कूल, ही इज़ वेरी काम. यहाँ पे त्रिशूल है, उनके डमरू है एंड यहाँ पे आई एम नॉट श्योर इसको क्या कहते हैं, मुझे पता है इसे क्या कहते हैं बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल प्रोनाउंस इट प्रॉपरली और नॉट. सो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड यहाँ पे फ्लावर्स है एंड ऑल्सो अगर थोड़ा सा डीप जाएंगे यहाँ पर, अगर आप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्कॉर्पियो भी है, बिच्छू. एंड यहाँ पे जो शिव जी है वो एक मेडिटेशन पोज में बैठे हुए हैं एंड ही इज़ इन अ डीप मेडिटेशन जोन, ही इज़ मेडिटेटिंग. यहाँ पे पीछे आप झरना देख रहे हो एंड यहाँ पे नदी, सॉरी नदी के साथ में नंदी जी भी बैठे हैं यहाँ पे, ही इज़ जस्ट टेकिंग केयर ऑफ इट. एंड यहाँ पे डमरू है, वो वाटर का, ये आई एम नॉट श्योर इसे क्या कहते हैं ठीक तरीके से, वो है. एंड फ्लावर्स है, बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है यहाँ पे बैकग्राउंड में एंड शिव जी इज जस्ट इंजॉइंग हिज मेडिटेशन. सो इस कार्ड को जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज किया है, आई कैन फील, आई कैन सेंस कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आने वाला है जो आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल तरीके से बढ़ाएगा आगे, बहुत खुशी आपकी ज़िंदगी में लाएगा एंड आप बहुत खुश रहोगे आपके पार्टनर के साथ में. एक अगर आप सिंगल हो तो मैरिज के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं. बेनिफिट ऑफ लाइफ आपको पता चलेगा कि बेनिफिट ऑफ लाइफ मतलब कि जिंदगी का जीने का जो एक बोलते हैं ना नज़रिया है आपका बदल जाएगा, एक तरीका बदल जाएगा. आप जो सिंगल थे बहुत लोनलीनेस फील करते थे, तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको बहुत खुशी देगा, जो आपको बहुत ही सुख समृद्धि देगा अपनी लाइफ में. एंड ऑल्सो यहाँ पे देख रही हूँ कि मैं यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर एंड डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ, अनएक्सपेक्टेड चेंज, न्यूमरस बेनिफिट, वर्ल्डली इंजॉयमेंट टू लाइब्रेशन. इसका मतलब कि आपके लाइफ में जो डिटैचमेंट, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि डिटैचमेंट होगा आपकी ज़िंदगी से जिस अनवांटेड लोगों से, मतलब जो लोग आपको बहुत परेशान करते, टॉर्चर करते या फिर आपको बहुत स्ट्रेस देते, वो लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे. न्यूमरस बेनिफिट देख रही हूँ मैं यहाँ पे, बहुत अच्छे बेनिफिट देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में. और एक मैरिज पार्टनर देख रही हूँ मैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे वैसी आप ज़िंदगी जियोगे. एक अपने एक हैप्पी मैरिज लाइफ कार्ड देख रही हूँ मैं यहाँ पर. जो डिटैचमेंट फ्रॉम अनवांटेड पीपल, जो लोग आपको बहुत स्ट्रेस करते थे, परेशान करते थे, आप उनसे बाहर आओगे, वो लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे. एंड अगर ऐसा जा रहा है आप उनको रोको मत, आप उनको ये मत बोलो कि प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में रहो, मेरे साथ रहो, ऐसा मत कीजिए. अगर कोई आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है तो प्लीज़ उसे जाने दीजिए, आप उनको मत रोकिए, बिकॉज वो चीज़ आपको आगे जाके बहुत दिक्कत दे सकती है, आगे जाके बहुत परेशान कर सकती है. तो पाइल नंबर टू देखते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2024. यहाँ पे द मैजिशियन आया है, वैंस आया है, स्वॉर्ड्स आया है, पेंटिकल्स एंड अगेन स्वॉर्ड्स आया है आपके लिए. तो मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटस आपका कुछ खास नहीं है, आपने कहीं पे काम किया है एंड वहां से आपको पैसा नहीं आया है.
यहाँ पे मैं झगड़ा देख रही हूँ, मैं फाइट देख रही हूँ, एंड देख रही हूँ कि आप बहुत फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर बहुत 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 ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। आपने अपना काम 100% किया, आपने मतलब जो जैसा आपको करना चाहिए था, बट आपको उस तरीके से पैसे नहीं मिले जैसा आपको मिलना चाहिए था। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि कोई आपको बहुत बोल रहा है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा पैसा निकलवा के दे दूंगा या दे दूंगी, बट वो भी चीज़ अब सही तरीके से नहीं चल रही है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप किसी लीगल तरीके से फंसे हो, या फिर मतलब कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको फंसाया गया है, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर देख रही हूँ मैं यहाँ पे, एंड हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेस में हो। आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो पॉइंट नंबर टू, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट आपका फाइनेंशियल स्टेटस अभी बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। एंड मैं देख रही हूँ कि ये आने वाला जो 10 दिन है ये भी आपके लिए कुछ खास नहीं है फाइनेंशियल को लेकर। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत डिबेट चल रहा है आपका। हो सकता है कि आप आपके फैमिली मेम्बर के साथ में थोड़ा सा अनबन चल रहा हो, या फिर आपका काम बंद हो, या फिर ऐसा हो रहा है कि आपका काम अच्छा चल रहा था बट आपको पैसे में धोखा मिल गया है, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका यहाँ पे मैं कुछ ठीक नहीं देख रही हूँ। एंड ऑल्सो आपको कोई मदद करेगा, कोई आएगा आपका पैसा निकालने के लिए, या फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटस में मदद करने के यहाँ पे चांसेस मैं देख रही हूँ। किसी को कोई आपको मतलब गारंटी देगा कि डोंट वरी, मैं तुमको जो है पैसे निकलवा के दूंगा, दैट इज माई गारंटी। बट आपको बहुत सोच समझ के उस चीज पे विश्वास रखना है। ऐसे नहीं कि बस मैंने विश्वास कर दिया और ये सब हो गया। मैजिशियन पर्सन हो आप, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो आप, अपने हर काम में बहुत तेज हो पॉइंट नंबर टू। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत हैंडसम हो, और आप जहां पे भी जाते हो आप अपना एक बोलते ना नाम, एक छवि छोड़ के आते हो। बट ये 10 दिन आपके लिए बहुत भारी है फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, तो आपको बहुत उस चीज में ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के आपको पैसे का मतलब डील करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जून में मतलब वो नेक्स्ट रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, बट इस वक्त फिलहाल तो कुछ ठीक नहीं है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। सो देखते हैं पाइल नंबर टू, आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस रहेगा वो कैसा रहेगा। सो पाइल नंबर टू के लिए प्लीज गाइड कीजिए महादेव जी की इनका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहेगा। ओके, कप्स आया है, टेम्परेंस आया है, प्लीज पाइल नंबर टू को गाइड कीजिए, एंड ट्री ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो मैं देख रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस तो सही है, ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई ऐसे दिक्कतें तो नहीं दिख रही है मुझे। रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर तो आपके कार्ड्स ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे, एंड अगर आप एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मैं देख रही हूँ कि कुछ गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं यहाँ पे। और अगर आप मैरिड हो तो अगेन मैं देख रही हूँ कि कुछ आपको गुड न्यूज़ आ सकता है रिलेटेड प्रेगनेंसी, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपको न्यू जॉब लग सकती है। बट आपको आपके पुराने कपड़े जो हो गए ना वो आपको डोनेट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो इंडिकेट कि अगर आपके पास ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है इन द सेंस कि आपके पास लग रहा है कि अरे हम खाने वाले घर पे 4 लोग हैं, ये थोड़ा सा राशन एक्स्ट्रा है या भाजी एक्स्ट्रा पड़ गई है, तो वो आप किसी को दान दीजिए, किसी को दे दीजिए कि मतलब अगर आपको से कोई दिखते हैं आपके आस पास में तो आप उनको दान दे दीजिए कि ओके ये आप रख दीजिए ऐसे करके। अन्नदान जो होता है वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे बड़ा दान होता है, और पैसों से भी बढ़कर जो बड़ा दान होता है वो अन्नदान होता है। तो हो सके तो अन्न का दान कीजिए, चावल दाल राइस भाजी, आपको जो भी मतलब सही लगे उस चीज़ का आप दान कीजिए, तो वो आपको बेटर रहेगा। तो हेल्थ रिलेटेड देखते हैं पाइल नंबर टू आपका, कि हेल्थ रिलेटेड आपका कैसा रहेगा। सो प्लीज महादेव जी पाइल नंबर टू को गाइड कीजिए कि उनका हेल्थ रिलेटेड कार्ड कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, वेरी नाइस। ओह माय गॉड, आपके लिए इतने सारे कार्ड उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। पाइल नंबर टू स्वॉर्ड्स आया है, द एम्पीरियर आया है, आपके लिए स्वॉर्ड्स बहुत आ रहे हैं पाइल नंबर टू, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। आप पता नहीं मुझे किस सिचुएशन में फंसे हो और क्या है आपके साथ चल रहा है, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट।
आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में. बहुत यू नो यू आर द पर्सन जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पैसा देखा है, बहुत एक अच्छी जिंदगी देखी है, बट इस वक्त आप सही सिचुएशन में नहीं हो. मेंटल स्ट्रेस देख रही हूँ यहाँ पे, धोखा देख रही हूँ. ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, दैट विल यू नो आपको नॉट बेनिफिट यू, आपको वो बेनिफिट नहीं देगा आपको. अगर आप तबीयत खराब करोगे अपनी, सो आप अपना ही हेल्थ खराब करोगे. हेल्थ के रिलेटेड कार्ड्स में देख रही हूँ कि बहुत अच्छा कार्ड्स वैसे इतने खराब नहीं आए हेल्थ को लेकर, बट मेंटल स्ट्रेस और धोखा से बढ़कर मतलब बच के रही है यहाँ पर आपको थोड़े से यहाँ पे. सो कार्ड्स उतने हेल्थ को लेकर खराब नहीं आए हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड्स आए हैं जिसका आपको ध्यान देना है. आपको मेंटल स्ट्रेस में देख रही हूँ यहाँ पे, आपको किसी ने धोखा दिया है उस वजह से आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में हो. हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में रहे जहाँ से आपको बहुत हर्ट हुआ हो, या फिर आप एक पार्टनरशिप में थे जहाँ से आपको बहुत यू नो हर्ट मिला है, आपको बहुत धोखा मिला है. सो आपको इस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है. बाकी यू आर वेरी फिट एंड फाइन पर्सन, आप अपना जैसे रूटीन है आप वैसे कीजिए, वैसे चलते रहिए, बट ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए. ज्यादा लोगों को अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व मत कीजिए. पॉइंट नंबर टू, आप जितना ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करोगे अपनी जिंदगी में उतना ज्यादा आप फंसोगे अपने लाइफ में. सो जो लोग सिंगल हैं और मतलब किसी रिलेशनशिप में नहीं है, ये उनके लिए है रीडिंग. सो अगर आप सिंगल हो तो क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो वर्थ इट हो और आपके साथ यू नो लॉन्ग टर्म तक रहे जिंदगी में. सो महादेव जी प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर टू को. ओके वैंस, अगेन वैंस एंड पेंटिकल्स. सो पाइल नंबर टू, मैं अभी इतना कुछ हैपनिंग कार्ड यहाँ पे नहीं देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप को लेकर कि कोई आपकी जिंदगी में अभी आए फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत बोझ है आपको किसी चीज़ का, बहुत ट्रॉमा में हो आप, एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अपने पास्ट को अभी तक नहीं भुला पा रहे हो, या फिर आप बहुत डीप बहुत लोनली फील कर रहे हो कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. आपको बहुत ही ख्याल रखना है आपके बारे में. अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई पर्सन ऐसा है और बोल रहा है कि गारंटी ले रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तो बहुत सोच समझ के उसके ऊपर ट्रस्ट करना, बिकॉज दिस इज़ द नॉट द राइट टाइम फॉर यू. पॉइंट नंबर टू, ये आपके लिए अभी सही वक्त नहीं है कि किसी रिलेशनशिप में आप आकर हाँ बोलकर एक बड़ा स्टेप लो. अगर यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दैट पर्सन, आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट आई सजेस्ट यू कि बहुत प्रिकॉशन, बहुत ही यू नो आपको ऐसा रहना है कि अपना दिल पूरा तरीके से नहीं देना है आपको, मतलब एक दिमाग से रहना है कि ठीक है मैं एक रिलेशनशिप में हूँ बट मुझे इस आदमी पे या इस औरत पे पूरा ट्रस्ट नहीं करना है. एक टाइम लीजिए, एक वक्त लीजिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद में कोई डिसीजन लीजिए. अगर आप सिंगल हो और कोई आके क्लेम कर रहा है कि यू नो आई एम इन लव विथ यू, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तो फिर आप उसको बोलिए ठीक है ओके फाइन लेट्स टेक अ टाइम, और उसके बाद में सोचते हैं ये सब चीज़ों के बारे में. क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डिप्रेस देख रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको बहुत यू नो ऐसे हो गया आपको कि मैं क्या बताऊँ, ये जिंदगी का ये आखिरी पर्सन है, इसके बाद कोई दुनिया ही नहीं है, ये ख़त्म है. अगर ये मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा या फिर मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा तो मैं ऐसी रह जाऊंगी. ऐसे आपको थिंकिंग नहीं रखना है अपने लाइफ में, अपने रिलेटेड. पॉइंट नंबर टू, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऐसी थिंकिंग अपने लिए मत रखिए. ज़िंदगी किसी एक पर्सन के लिए ना ख़त्म होती है ना शुरुआत होती है, ये हमारे ऊपर होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे लीड करनी है. तो आप अपने पे ध्यान दीजिए, फिट रहिए, फाइन रहिए और इन्जॉय कीजिए अपने टाइम को. पाइल नंबर टू, आपको स्वॉर्ड्स बहुत आ रहे हैं, आपको इस चीज़ से थोड़ा ध्यान देना है. आई एम नॉट श्योर कि आप कैसे सिचुएशन में हो और क्या कर रहे हो, बट आपको स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यू नीड टू कंट्रोल वाइल स्पीकिंग, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बोलने से पहले क्या बोलते हो, क्योंकि आपका बोलना ही आपका काम खराब कर सकता है, आपका बोलना ही बहुत सारी चीज़ें खराब कर सकती है. इसलिए सोच समझ के बोलिएगा. एंड ऑल्सो अगेन आई विल से यू कि डोनेट कीजिए हो सके तो, कुछ तो कपड़े खाना और कुछ भी आपको जो सही लगे अपने हिसाब से आप उस चीज़ को डोनेट कीजिए. बट ये 10 दिन मैं आपको बोलूँगी कि स्पीक, ये सॉरी 10 दिन मैं आपको ये बोलूँगी थिंक बिफोर यू स्पीकिंग. आप जब भी कुछ बोलते हो तो सोच समझ के बोला कीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपका काम खराब कर सकती है. तो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर टू. हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हमारे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा.
वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है यानी कि अर्धनारेश्वर, सो आप यहाँ पे देख रहे हो शिव और शक्ति दोनों ही है। ये कार्ड अपने में ही एक बहुत शक्ति वाला कार्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंदी जी भी है एंड यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन्स है, यहाँ पे शिव जी है, यहाँ पे शक्ति जी है। एंड सो अगर आप डीप में जाओ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों बैठे हुए हैं। इन्हीं को जब दो मिलते हैं तो इन्हें कहते हैं अर्धनारेश्वर। 31 मई 2024। सो फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा पाइल नंबर 3 के लिए? आपके लिए भी कार्ड उड़ उड़ के आ रहे हैं, मतलब मुझे शफल करने की जरूरत नहीं, शफल करने से पहले ही कार्ड्स आ रहे ऊपर। तो द चैरियट आया है, वैंस आया है एंड लास्ट का कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ वैंस। इसका मतलब कि अच्छा वक्त आपके पास आने वाला है, अच्छा वक्त, आपका समय जो है वो अच्छा शुरू होने वाला है। मैं देख रही हूँ कि वैंस आया है, यहाँ पर चैरियट आया है, मतलब बहुत टाइम का पैसा रुका हुआ आपके पास आने वाला है। बहुत टाइम से अगर पैसा रुका था तो वो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि वो पैसा अब आपके पास में वापस से आ जाए। तो चैरियट देख रही हूँ, हो सकता है कि आप एक घर में नया घर, नई गाड़ी या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करो एंड बहुत टाइम से आप जो ड्रीम कर रहे थे वो ड्रीम आप बहुत जल्दी सक्सेस होने वाला है। बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको घर लेना था या फिर गाड़ी लेनी थी या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना था, तो वो चीज़ अब मैं रियलिटी में होता हुआ देख रही हूँ। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि जो आपका ड्रीम था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अब सच होने वाला है। आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, एक सही आपका वे है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर यहाँ पे कोई भी मैं ऐसे नेगेटिव नहीं देख रही हूँ। आपका जो वक्त है वो अब अच्छा चलने वाला है। घर का रेनोवेशन, डेकोरेशन या फिर आप घर खरीदोगे या फिर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे, मैं ये सब पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर देख रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि आपका जो लव लाइफ है वो कैसा रहेगा पाइल नंबर 3। सो अर्धनारेश्वर जी प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 3 को, उनका लव लाइफ कैसा रहेगा। स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। वाओ, सो मैं देख रही हूं कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे थे, बहुत उतार चढ़ाव थे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी एंड ऐसा सिचुएशन चल रहा था कि हो सकता है कि आप लोग पार्ट अवे हो रहे थे। मतलब ये मैं ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में उनके बारे में बात कर रही हूँ, बट मैं देख रही हूँ कि आप लोग का रीयूनियन होने वाला है। हो सकता है कि दैट पर्सन विल रिग्रेट हिज डिसीजन एंड ही और शी विल कम बैक टू योर लाइफ। और अगर आप प्रेगनेंसी को लेकर दिक्कत में हो कि यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, सो हो सकता है कि ये आने वाले मंथ में देर इज़ अ गुड न्यूज़ कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि आप एक बहुत टफ टाइम में थे, बहुत टफ रिलेशनशिप में थे, उससे आप बाहर आए हो, उस चीज़ से बहुत झगड़ा चल रहा था, बहुत डिबेट चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, उस चीज़ से आप बाहर आ गए हो अभी। मतलब आप कगार पे हो या आ गए हो, ये भी आपके ऊपर है कि आपको उसी सिचुएशन में रहना है या मूव ऑन करना है। बट अगर आप मूव ऑन करोगे देन देर आर टू वंडरफुल ब्यूटिफुल कार्ड्स वेटिंग फॉर यू। अगर आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे तो ये दो चीज़ आपको मिलेगी, अदरवाइज आप हमेशा इसी के अंदर रहोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर को एक और मौका देना चाहिए देन आप प्लीज दीजिए, बट मेक श्योर ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी हो, एक लास्ट टाइम हो। इसके बाद आप उनको कभी भी बार बार मौका मत दीजिए एक ही गलती दोहराने का। तो वैसे तो ये कार्ड ठीक ठाक है, अच्छी बात है, अच्छा है कि अगर आप मूव ऑन कर रहे हो अपने लिए देन दैट इज़ फाइन। और अगर आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो अपने मतलब दुख दर्द को लेकर, मैं बात कर रही हूँ पार्टनर से नहीं, अगर आप अपने दुख दर्द को वही चीज़ हमेशा ज़िंदगी भर साथ में लेके चलोगे तो वो आपके लिए दिक्कत रहेगा। एंड अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिकल लेना स्टार्ट करोगे कि नहीं ठीक है मुझे अब ऐसा जीना पड़ेगा, मुझे अब ऐसा रहना पड़ेगा, तो आपको वो चीज़ स्ट्रांग बनाएगा, वो चीज़ आपको अच्छा करेगा। अगर आप सिंगल हो सो लेट्स सी कि क्या आपके लाइफ में कोई आएगा। तो देखते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है पहले ही आपके लिए, ओके कोई बात नहीं, देखते और बाकी के कार्ड क्या है। ओके धनारेश्वर जी प्लीज़ गाइड कीजिए।
तो अगर आप सिंगल हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिंगल ही रहो बिल्कुल भी। आप अभी किसी भी बातचीत में मत जाइए कि हाँ अरे मैं तुमको प्यार करता हूँ या मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये पर्सन शायद आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए कोई ऐसा पर्सन आएगा जो बहुत हेल्पफुल है, जो बहुत लोगों की मदद करता है, जो लोगों के साथ में प्रेम की तरह रहता है, प्रेम से रहता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी वो प्रेम आएगा, बट आपको वेट करना है, ये सही टाइम नहीं है। अभी मैं देख रही हूँ कि आप पायलमबत्री अपने एक्स, अपने पास्ट को लेकर अभी भी डिप्रेस्ड हो, अभी भी काफ़ी ज़्यादा उसके ख्यालों में हो, अभी भी आप उसी के बारे में सोचते हो। देखिए, जब तक आप अपने पास्ट को नहीं भूलोगे, जब तक आप अपने पास्ट से बाहर नहीं निकलोगे, आप ऐसे ही अंदर घूमते रहोगे, ऐसे ही अंदर स्ट्रगल करते रहोगे। आपको जब तक आप अपने एक्स से बाहर नहीं आओगे, अपने पास्ट से बाहर नहीं आओगे, वेदर यू आर डिवोर्स्ड और सिंगल, और आप अगर किसी पे अभी बहुत विश्वास कर रहे हो कि ये पर्सन मेरे साथ रहेगा, सो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आप उस ख्यालों में मत रहिए। अपनी एक ख्याली दुनिया में उसको हीरो का, जो बोलते ना, हीरो या हीरोइन का दर्जा मत दीजिए। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड्स आए हैं। आपको बहुत सोच समझ के अपने रिलेशनशिप में रहना है, बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लेना है लाइफ का। अगर आप सिंगल, पाइल नंबर थ्री, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप सिंगल हो तो आप सिंगल ही रहिए, बिकॉज दिस इज नॉट राइट टाइम फॉर यू। ये एक सही समय नहीं है आपके लिए एक रिलेशनशिप में जाने का। थोड़ा सा वेट कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, और सही समय आएगा जब आपकी जिंदगी में कोई अपने आप वॉक इन करेगा। नाउ लेट्स सी कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइल नंबर थ्री द टावर, पाइल नंबर थ्री के लिए प्लीज हेल्थ का कार्ड सजेस्ट कीजिए कैसा रहेगा। तो देखिए, मैं आपको क्या बोलूँ, आप बहुत ओवर थिंक करते हो पाइल नंबर थ्री, मतलब आप आपकी तबीयत खुद खराब करते हो। आपको किसी, मतलब ना, किसी को आपकी तबीयत खराब करने की जरूरत नहीं, आप खुद की तबीयत खुद ही खराब करते हो ओवर थिंक कर करके। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत एग्जैजरेट करते हो, बहुत बढ़ाते हो, एंड बहुत ऐसा होता है कि कोई आपको कुछ बोल के चला जाता है एंड आप डीप थिंकिंग में चले जाते हो। आपको ऐसा लगता है, अरे यार ये मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। झगड़ों में आप बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हो, अगर कहीं पे भी, अगर आपकी बातों से या कोई आपकी बातों से एक हीट आर्ग्यूमेंट शुरू होता है वहां पर, एंड वो बात फिर बहुत बढ़ते बढ़ते आगे तक चली जाती है। द टावर आया है, हेल्थ के रिलेटेड अगर ये कार्ड देखा जाए तो कार्ड्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है पाइल नंबर थ्री। आपको अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप किसी, अपने हेल्थ को लेकर बहुत परेशान हो, आपके वेट को लेकर या अपने चीज़ों को लेकर, मतलब किसी एक चीज़ों को, अपने पर्टिकुलर ओवर थिंकिंग को लेकर आप बहुत यहाँ पे स्ट्रेस में देख रही हूँ आपको। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ पॉइंट नंबर थ्री, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखना स्टार्ट किया तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं आपके हेल्थ को लेकर। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट मैं आपको वॉर्न कर रही हूँ कि आप अगर ओवर वेट हो तो अपना जिम स्टार्ट करो, योगा स्टार्ट करो या वॉकिंग स्टार्ट करो, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो आपके हेल्थ को लेकर कार्ड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। तो अगर आपकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है तो उस चीज़ का प्लीज़ आप इलाज कीजिए, उस चीज़ को प्लीज़ आप ख्याल रखिए, बिकॉज़ ये कोई हैपनिंग कार्ड नहीं देख रही हूँ मैं पाइल नंबर थ्री। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल आपके हेल्थ को लेकर। आप मजाक में मत लीजिए इस चीज़ को कि अरे मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, नहीं, क्योंकि आपको मैं देख रही हूँ कि आप स्ट्रेस में भी बहुत हो, बहुत मेंटल स्ट्रेस आपके साथ चल रहा है, बहुत डीप डिप्रेशन में हो। अगर कोई ऐसी बातें हैं तो आप शेयर कीजिए किसी अपने फैमिली पर्सन को या किसी को या किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को, बट इस चीज़ से आप बाहर आइए। ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा मत कीजिए, वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है, वो चीज़ आपको दिक्कत दे सकती है। सो पाइल नंबर थ्री मैं इतना ही बोलूँगी, देखो आपके लाइफ में कोई 100% बहुत अच्छा आएगा, जो आपको बहुत प्यार करेगा, जो आपको बहुत अच्छा सुख और समृद्धि देगा अपनी ज़िंदगी में, एक अच्छा आपके साथ एक ज़िंदगी बिताएगा, जो आपको बहुत प्यार करेगा, बट वो अब सही टाइम नहीं है। अभी आपको अपने पे ध्यान देना है, बट फॉर श्योर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा बहुत जल्द, जो आपसे बहुत प्यार करेगा, जो आपके साथ बहुत लॉयल रहेगा और जो आप को समझेगा। तो उस चीज़ का वेट कीजिए, वो सही टाइम का वेट कीजिए पाइल नंबर थ्री, और अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, राम राम, हर हर महादेव। पाइल नंबर फोर,
मैं आई एम नॉट श्योर कि मैं इस कार्ड को किस तरह से डिस्क्राइब करूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंदी जी के ऊपर शिव जी बैठे हुए, उनका हाथ और पाव दिख रहा है यहाँ पे, एंड नंदी जी इज वॉकिंग टूवर्ड्स इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पे शंख बज रहे हैं, आई एम नॉट श्योर इसको क्या ठीक तरीके से बोलते हैं, बट एक डांस है यहाँ पे, बहुत ही पॉजिटिव चल रहा है। यहाँ पे मटका मैं देख रही हूँ, एंड मतलब यू नो किसी आई गेस कि ये शिव जी की शादी के लिए ये निकले हैं, उमा जी को यानी कि पार्वती जी को लेने के लिए बारात बन के, या फिर कोई अच्छा कुछ गुड न्यूज है जो एक साथ सब निकले हुए हैं। तो है सो नंदी इज द कैरियर ऑफ शिवा, एज यू नो कि शिव जी का वाहन है नंदी जी। सो पाइल नंबर 4 के रिलेटेड मैं ये बोलूंगी कि यू नो जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है, दैट यू हैव एबिलिटी टू टेक द लोड। आपके पास एक एबिलिटी है कि किसी भी आप काम को कर सकते हो, कि कोई भी काम आप इजीली यू नो अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि किसी ने भी अगर कोई भी आपको कोई काम देता है सो आप उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करते हो और अच्छी तरीके से हैंडल करते हो। पाइल नंबर 4 के लिए नंदी महाराज जी प्लीज बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा 21st of May से लेकर 31st of May 2024। ओके सो आपके लिए कार्ड्स जो है अपने आप नीचे गिर गए, एंड आपके लिए 5 कार्ड अपने आप जो है सामने से आए हैं। एक कार्ड उल्टा गिरा है तो उसको भी हम देखते हैं। सो देयर इज अ नाइट ऑफ वैंड्स, कप्स, अगेन वैंड्स एंड कप्स एंड पेंटिकल्स एंड स्वॉर्ड्स। तो फाइनेंशियल स्टेटस जो मैं देख रही हूँ वो बहुत मिक्स मैच है, मतलब मिक्स मैच नहीं है सॉरी। सो फाइनेंशियल स्टेटस जो मैं आपका देख रही हूँ वो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आ भी रहा है पैसे, बट बहुत यू नो स्ट्रेस, बहुत परेशानी के बाद पैसे आने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। एक मैं देख रही हूँ कि बहुत टाइम तक वेट करना पड़ा आपको आपके पैसे के लिए, जो पैसा आने वाला है आपके लाइफ में अभी जो बहुत जल्द इन दिनों में, वो मैं देख रही हूँ कि बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत फाइट करना पड़ा इस चीज़ के लिए, बहुत पेशेंस लेवल लगे हैं। बहुत ड्रीम सोचा था आपने कि ये जब पैसा आएगा तो मैं ऐसा घर बनाऊंगी या ऐसा करूंगी या फिर वैसा करूंगा या फिर ये चीज़ खरीदूंगा या वो चीज़ खरीदूंगा, तो पैसे आपने जैसा सोचा था वैसा उस लेवल तक को तो नहीं आया। बट हाँ ये है कि फाइनेंशियल स्टेटस आपके पहले से जो है वो थोड़ी सी ठीक होने के यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं, और यहाँ पे कोई आपको हेल्प भी करने वाला है। फाइनेंशियल स्टेटस में मैं देख रही हूँ कि कोई आपको सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर। एंड ऑल्सो फॉर लेडीज फीमेल्स मैं बताना चाहती हूँ कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्रिलियंट, यू हैव दैट एबिलिटी, आपके पास वो एबिलिटी है पैसा कमाने की, बट इस वक्त मैं देख रही हूँ कि वो सही तरीके से आप नहीं कमा पा रहे हो। मतलब सही तरीके से इन द सेंस कि एक जैसा आप पहले कमाते थे वो अभी फ्लो आपके लाइफ में उसका वैसे पैसे का जो है ना फ्लो वो नहीं है। बिकॉज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम आई है, एंड वो प्रॉब्लम में आप बहुत यू नो बहुत लंबे टाइम तक फंसे रहे, वो फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर काफ़ी टाइम तक आप इस चीज़ में थे। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि आने वाले 10 दिन में आपका पैसा जहाँ पे अटका हुआ है वहाँ से 99% आने के चांसेस है, एंड कोई आपको हेल्प करेगा वो पैसे निकलवाने के लिए। अगर आपका पैसा अटका हुआ है कहीं से तो आई कैन सी कि योर मनी इज कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, आपका पैसा वापस से आने के चांसेस देख रही हूँ मैं यहाँ पर। एंड ऑल्सो यहाँ पे जैसे 3 of Wands आए हैं, मैं देख रही हूँ कि आप अभी बहुत सरल हो गए हो, मतलब पहले जैसे आप बहुत पैसा खर्चा करते थे, पहले जैसे आप बहुत यू नो पैसे कोई भी ऐसी चीज़ों के लिए खरीद देते थे कि अरे चलो ये पसंद आया ले लो। एंड ऑल्सो खरीदने से ज़्यादा मैं देखती हूँ कि आप बहुत हेल्प करते हो लोगों को पैसा देने के लिए, बट वो पैसा रिटर्न में आपके पास नहीं आता है, तो इसलिए आप सोच समझ के किसी को हेल्प करना। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है तो आपने हेल्प कर दिया, तो ऐसा आप मत कीजिए। नंबर 4 आप अपने पैसों को बहुत बचा के रखिए, बहुत सोच समझ के यूज़ कीजिए। नाउ लेट्स सी कि आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो कैसा रहेगा May 2021 to 31 तक कैसा रहेगा आपका लव लाइफ 2024 लव लाइफ ऑफ पाइल नंबर 4 नंदी महाराज जी प्लीज गाइड कीजिए। सो द एम्पीरियर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके एंड स्वॉर्ड्स। तो मैं देख रही हूँ कि लव लाइफ आप अगर एक रिलेशनशिप में हो तो काफ़ी अच्छी चल रही है,
मतलब एक बोलते ना, एक आपसे ज्यादा, अगर आप फीमेल हो तो आपसे ज्यादा आपके रिलेशनशिप में किसी जो आपका पार्टनर है उसका दबाव आप पे ज्यादा है, मतलब उसका जो बोलते ना आप पे प्रेशर बोलू, या उसका आई एम नॉट एबल टू पुट दैट वर्ड ऑन अ राइट प्लेस, मतलब अगर वो जैसे बोलते हैं आप वैसे करते हो, अगर ही अगर अगर आपका पार्टनर बोल रहा है उठो तो आप उठते हो, अगर आपका पार्टनर बोलता है बैठो तो बैठते हो, मतलब वो एक तरीके से बोलते हैं ना यू आर अ सर्वेंट फॉर योर पार्टनर। पाइल नंबर 4, मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा डरे हुए रहते हो, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो और काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी चीज़ों में हो कि आप पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड हो, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस से लेकर हर चीज़ में आप किसी के ऊपर डिपेंड, मैं यहाँ पे देख रही हूँ पाइल नंबर 4। सो पाइल नंबर 4, मैं देख रही हूँ कि आप अभी जिस रिलेशनशिप में हो ना वहाँ पे आपका उतना दबदबाव नहीं है, आप एक दब रहे हो ये रिलेशनशिप में, आपको जैसा बोला जा रहा है आप वैसे कर रहे हो, अगर आपको मतलब बोल रहे उठो तो उठो, आप बोल रहे बैठो, आपको बोल रहे बैठो तो बैठो। एंड इवन मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका सही नहीं है, मतलब वो आपको ऐसा हो रहा है आपको कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया या अगर ये मेरे साथ नहीं रहेगा या नहीं रहेगी तो मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटस को कैसे संभालूंगा या संभालूंगी और कैसे इस तरीके से इस चीज़ से बाहर निकलूंगी। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रेस में हो, आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आप इस रिलेशनशिप में होकर भी नहीं होने के जैसा हो रहा है, मतलब आपको ये पर्सन चाहिए, आपको चाहिए कि यही पर्सन मेरे साथ मेरे लाइफ टाइम तक रहे। बट ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत डिप्रेस्ड भी हो क्योंकि आपको वो इज्जत या वो चीज़ वो रिलेशनशिप में ये नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए, जो इज्जत या जो रिस्पेक्ट या जो लॉयल्टी आपको चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रही है। ऑल्सो मैं देख रही हूँ उसका रीजन ये है क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट है ये पर्सन। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी अपने लाइफ में एक अच्छे पोजिशन पे, एक अच्छे प्लेस में है और इसको अपने काम से ज़्यादा किसी से भी प्यार नहीं है। ही इज़ और शी इज़ डीप इन टू लव विद देयर वर्क, इनको अपने काम से प्यारा कुछ भी नहीं है। एंड ऐसा नहीं है कि ये आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, ये देते हैं बट उससे ज़्यादा ये अपने काम पे, अपने पोजिशन पे, अपने वर्क के लिए ये ज़्यादा लॉयल है, वर्कहॉलिक पर्सन है ये। उस वजह से आप थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं इस चीज़ में, इस रिलेशनशिप में मुझे वो इज्जत नहीं मिल रही है, वो प्यार नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। बट अगर मेरे हिसाब से अगर मानो तो थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा आप खुद से प्यार करो एंड खुद को थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड रखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर ने जो बोला आप वही सुनो, उसने जैसा आपको बोला रहने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, आप वैसे ही एक्ट करो, रिएक्ट करो। थोड़ा सा आप अपने आप पे ध्यान दो, थोड़ा सा आप अपने लिए जियो एंड बाकी तो सब ठीक है। नाउ लेट्स सी जो सिंगल है, जो लोग रिलेशनशिप में भी नहीं है और मतलब दे आर अनमैरिड, तो क्या उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो उनके लिए लॉन्ग टर्म, फॉर अ लॉन्ग लव लाइफ उनके साथ रहेगा, मैरिज एंड एवरीथिंग, लेट्स सी। सो पाइल नंबर 4 के लिए नंदी महाराज जी प्लीज़ गाइड कीजिए कि क्या कोई ऐसे पर्सन आएंगे जो उनके साथ रहेंगे लॉयल और हमेशा जिंदगी भर। सो आपके लिए यू कैन नॉट बिलीव, 3 कार्ड अपने आप गिरे नीचे पाइल नंबर 4। सो आज बहुत कार्ड्स ऐसे हो रहे हैं कि अपने आप पॉप आउट हो रहे हैं, मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है कार्ड्स। तो मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 4, आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो बहुत एक यंग है, बहुत अच्छा पैसा उसने अपनी ज़िंदगी में देखा है, बहुत नाम कमा रहा है। सो मैं देख रही हूँ कि जो आपका पार्टनर है जो आने वाला है वो 3 से 4 काम में इन्वॉल्व रहेगा। पर्सन इज वेरी वेल मेंटेन पर्सन, ये बहुत अच्छे अपने पोजिशन में है, बहुत अच्छे काम पर है, ही अर्न्स और शी अर्न्स गुड और ऊपर से नीचे, मतलब दिस पर्सन इज इन मनी मनी ओनली। और दूसरी बात, थोड़ा सा हो सकता है इनको अपने पैसों को लेकर थोड़ा सा घमंड भी रहे, थोड़ा सा एटीट्यूड भी रहे, बट एक सटल पर्सन है ये, बहुत अच्छा पैसा देख रहे हैं ये अपनी लाइफ में और बहुत यंग एज से इन्होंने कमाना स्टार्ट किया है। एंड मैं देख रही हूँ कि ये जब पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, एस ऑफ कप्स भी आया है जो बहुत अच्छा कार्ड आया है यहाँ पर, तो ये आपकी लाइफ में एक तरीके से एक टर्न होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आपको ऐसा कोई पार्टनर या पर्सन दिखे अपने लाइफ में तो पहले थोड़ा सा टाइम लो, पहले दूसरे को थोड़ा समझो, उसके बाद में यू गो ऑन अ सीरियस नोट। उसके पहले जस्ट गिव टाइम टू ईच अदर, थोड़ा सा एक दूसरे को समझिए, थोड़ा सा एक दूसरे को जानिए, उसके बाद में आप अपने फ्यूचर का डिसीजन लीजिए। एंड वैसे आपको ये कार्ड्स बहुत अच्छे आए, हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये 10 दिनों में या ये विद इन 20-25 डेज के अंदर आपकी लाइफ में आए,
एंड थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप कीजिए. ओपन अप इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं कि खुद को रिजर्व करके रखो और एकदम यू नो इंट्रोवर्ट बन के रहो. थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनिए, थोड़ा सा बातचीत करना आप स्टार्ट कीजिए और थोड़ा सा लोगों से घुलना मिलना स्टार्ट कीजिए. नाउ लेट्स सी कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा पाइल नंबर फोर. सो नंदी जी प्लीज गाइड कीजिए कि पाइल नंबर फोर जो चूज करें उनका हेल्थ कैसा रहेगा. द टावर वैंस एंड जगलिंग. तो मैं देख रही हूँ कि हेल्थ के लिए कार्ड्स तो आपके बिल्कुल अच्छे नहीं आए हैं पाइल नंबर फोर. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आपको अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप मेंटल स्ट्रेस में हो या फिर एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार मेरे साथ सही नहीं चल रहा है, या ओवर थिंकिंग हो. आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यू नो सोच रहे हो और डिबेट में मत जाइए. अगर कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो आप वहाँ पर जाके अपनी राय मशवरा मत दीजिए क्योंकि आप भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो. तो इसलिए इस चीज से बाहर रहो. आप किसी के बीच में मत पड़ो, किसी को समझाने की कोशिश मत करो क्योंकि अगर आप उनको समझाने की कोशिश करोगे ना तो आप भी उसमें गलत हो जाओगे, आप भी उसमें फंसोगे. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस चीज से बाहर रहो, आप ज्यादा सोचो मत. आपके हेल्थ के रिगार्डिंग मैं देख रही हूं कि आपको यू नो आप खुद से फाइट कर रहे हो. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ही को पता है आपके बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता आपके बारे में. तो आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और खुद को जानिए, खुद का ध्यान रखिए. जगलिंग आया है, कभी आप बहुत अच्छे रहते हो, कभी आपकी तबीयत एकदम खराब हो जाती है, कभी यू आर फिट एंड फाइन एंड कभी आप एकदम वापस से यू नो एक ऐसे सिचुएशन में आते हो जहाँ पे आपकी तबीयत खराब होना स्टार्ट होती है. तो पाइल नंबर फोर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी दैट आप अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जो होना है वो होगा. एंड नंदी जी जो है वो आपको यही मैसेज दे रहे हैं, जस्ट बी स्ट्रांग. स्ट्रांग रहिए, आपके साथ बहुत जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ आने वाला है और इसको क्लेम कीजिए. आपकी आप मैनिफेस्ट कीजिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ. और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. राम राम.